है हमारे दोनों यूनियन में वो जो है कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें इस इंसिडेंट की वजह से उसमें जो है रुकावट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरी ये अपील है कि जो हमारा आपसी भाईचारा है, जो ब्रदर हमारे लद्दाख में जो एक के चल रहा है सदियों से, वो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि आप इसमें बीच में कुछ अनासिर जो हैं आपस में ले और करगिल को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको कोई कम्युनल रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलके, चाहे आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि और ले में भी जितने भी हमारे साथी हैं उनसे भी कोशिश है कि हम इस मसले को आपसी बातचीत के जरिए हल करें। अब रहा मैं हैरान इस बात का हूं कि इसमें जो मेन रोल, जब भी कहीं प्रोटेस्ट हो जाता है या दो पार्टियों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन दोनों को टेबल पे बुलाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर साहब जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी हैं, उनका एक मेजर रोल बनता है, वो जो है इंडिविजुअली शायद उन्होंने बातें जो है इनिशिएट किया है और उन्होंने हमें भी चिट्ठी लिखा, हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन ये बात वाजह है कि हिल काउंसिल करगिल का ज्यूरिडिक्शन न लेह में है न लेह का ज्यूरिडिक्शन करगिल में है, तो इसमें हमारा कोई मेजर रोल इसमें नहीं बनता है। हमने अपनी तरफ से बेशक कोशिश की, लेकिन अगर सरकार चाहे गवर्नमेंट चाहे तो दोनों को एक नोटिस, मीटिंग नोटिस के जरिए जो है एक टेबल पे बिठा के इनको आपस में नेगोशिएशन हो या बातचीत का सिलसिला करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और मैं हैरान हूं कि इसमें अभी तक कोई मेजर रोल आपका डिविजनल कमिश्नर की तरफ से हो, एडीजी की तरफ से हो, या एडवाइजर साहब की तरफ से हो, एक पहल जो है कंक्रीट एक डिसीजन लेके इनको दोनों को टेबल पर बिठा के जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, और इसमें एक बहुत ही डिले कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इंसिडेंट्स होते आ रहा है। और अगर इसमें और मजीद अगर हम टाइम दे दें तो ये और काफी फैल सकता है। लिहाजा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली अलजी साहब की रिक्वेस्ट है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है उसको जरूर निभाएं और दोनों को एक टेबल पे लाके बात कराएं, या कुछ भी गवर्नमेंट का डिसीजन भी दे दें, कुछ भी, क्योंकि हमने भी देखा है एडमिनिस्ट्रेशन भी, हम भी बैठे हैं, जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल प्ले करता है। ये नहीं कि कोई मनमानी करे, क्योंकि अल्टीमेटली तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही, सरकार को ही करनी पड़ती है, और सरकार हमारे यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। और उस दिन जो हमारे टैक्सी यूनियन कारगिल ने राजनिवास के सामने जो प्रोटेस्ट किया, राइट टू प्रोटेस्ट से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको वहां पे घसीट के लिया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस को तो करना है, उनको तो जो आदेश है वो करना है, लेकिन उस वक्त कोई जो आपका एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को वहां पे आना चाहिए था, पर्टिकुलरली जो आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, जो आरटीओ है, जो दोनों डिस्ट्रिक्ट को